अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और ये चना है और इसी का मैं हलवा बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल हम लोग का त्यौहार है और त्यौहार का बहुत ज़ोरों से तैयारी चल रहा है हम लोग के घर में। तो आज मैं चना दाल को अच्छे से दरर के रख दूँगी, तो कल मेरे को दररना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, अच्छे से मेरा चना दाल भी दर्रा गया है। इसको मैं सुबह में उठा के फटिक लूँगी। और दोस्तों, कुछ भी दाल जैसे घर में आता है दुकान से खरीद के लाते हैं, तो इसी चक्की से हम लोग दरर लेते हैं। तो हम लोग के गांव में इसको जांता बोलते हैं, तो इसलिए मैं हर बार जांता ही बोल देती हूं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा दाल अच्छे से दर्रा गया है और मैं इसको फटिक के साफ कर ले रही हूँ। इसका भूसा भी अच्छे से निकल गया है और मेरे को आज अपने आंगन का लिपाई करना है। तो ये देखिए, मैं मट्टी भी फुला के रख दी थी, इधर मैं लिपाई शुरू कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले सफ़ेद मट्टी का मैं लिपाई करूँगी। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का आंगन कैसे दिख रहा है। और अभी त्यौहार का मौका है, तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि डिजाइन वाला लिपाई कर दूंगी, तो थोड़ा सा हम लोग का आंगन अच्छा दिखेगा। तो देखिए, मैं अपना आंगन का लिपाई करना शुरू कर दी हूँ डिजाइन वाला। और मैं आगे छुई मट्टी से लिपाई इसलिए कर रही हूँ कि जल्दी से नहीं सूख पाता है और थोड़ा लेट से ही सूखता है। तो इधर देखिए, मैं आगे छुई मट्टी का लिपाई कर लेती हूँ, फिर मैं काला मट्टी का लिपाई करूँगी। और इसमें आज मैं कोई कलर यूज नहीं करूँगी, सिर्फ छुई मट्टी और काला मट्टी से ही मैं अपने आंगन का लिपाई करूँगी। दोस्तों, डिजाइन वाला लिपाई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है और आज पूरा दिन इसी में लग गया और आज मैं कुछ ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो दोस्तों, आज का डिजाइन वाला लिपाई आप देखते जाइए और आज का डिजाइन कैसे बन रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सफ़ेद मट्टी का लिपाई पूरा कंप्लीट हो चुका है और लिपाई करते करते मेरा आंगन भी सूख गया है और मैं काला मट्टी में फुला के रख दी थी, तो अब मैं काला मट्टी से लिपना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, एक बहन ने कमेंट में पूछा था कि आप काला मट्टी कहाँ से लाते हैं। वैसे तो मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, और जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि ये हम लोग का गांव का खेत में मिलता है काला मट्टी, और ये गर्मी के दिनों में ही मिलता है। तो दोस्तों, जब मैं काला मट्टी लेने के लिए जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो बना के। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अपना आंगन का लिपाई शुरू कर दी हूँ काला मट्टी से, और कितना अच्छा दिख रहा है। अभी आधा ही लिपाया हुआ है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है मेरा आंगन। दोस्तों, अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो आंगन में बहुत तेज़ ज़्यादा धूप हो जाता है, और आपने देखा कि जब मैं छुही मट्टी से लिपाई कर रही थी तब आंगन में कितना ज़्यादा धूप था। तो ये देखिए, अभी दोपहर का टाइम है, करीब 2:30 बज रहा होगा, और इधर आम का छांव हो गया है, तो मैं काला मट्टी से लिपाई करना शुरू कर दी हूँ। तो दोस्तों, मैं पहले छाया साइड का लिपाई कर लेती हूँ, तब तक से आधा आंगन में जो धूप है उधर भी छाया हो जाएगा। तब इधर देखिए, मेरा आधा आंगन लिपा चुका है और कितना अच्छा दिख रहा है। तो आज का लिपाई बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि भूल भुलैया जैसे डिजाइन बना था तो बच्चे लोग उसमें बहुत खेले और बहुत ही अच्छा इन लोग को भी लग रहा था। तो दोस्तों, मैं बच्चे लोग के लिए एक दिन अपने आंगन में बहुत बड़ा लूडो बना दी थी। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पूरा लिपा चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं डब्बा को रख देती हूँ और हाथ भी धो लेती हूँ। Thank you.
तो दोस्तों आज का डिजाइन वाला लिपाई आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इधर देखिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और बुलबुल भी उठ गई है सो के। तो इधर हम लोग का नया आंगन में हम लोग थोड़ा सास बहू मिल के आराम कर लेते हैं। तो इधर अम्मी भी नहा धो के बैठ गए हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ बातें भी अम्मी के साथ हम लोग कर रहे थे, अपने मायके के बात बता रहे थे। तो इधर भी बुलबुल को ले लिए अपने गोदी में। तो मैं शाम का तैयारी कर लेती हूँ, तो मेरे को थोड़ा चावल भी चुनना था। तो इधर मैं चावल को अच्छे से फटीके में एक एक ठो धान है उसको भी मैं बीन लेती हूँ। दोस्तों मैं चावल चुन चुकी हूँ, तो अब मैं चावल को लेके चलती हूँ अंदर। अब आज हम लोग के घर में कुछ सब्जी नहीं है, तो जो मैं प्याज पत्ता जगाई थी तो उसी का मैं आज सब्जी बनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं खेत में प्याज पत्ता तोड़ने के लिए। जो मैं प्याज पत्ता जगाई हूँ उसी को मैं तोड़ लूँगी। और उधर हम लोग का प्याज पत्ता भी सब्जी खाने लायक हो गया है, देखिए बड़ा बड़ा हो गया है। तो इसी को मैं तोड़ के आज सब्जी बनाऊँगी। तो दोस्तों गांव में रहने से यही फायदा होता है कि अगर घर में सब्जी ना हो तो खेत में जगाया हुआ कुछ सब्जी काम आ जाता है। जैसे घर में कुछ सब्जी खत्म हो गया, तो इधर देखिए हम लोग का प्याज पत्ता आज हम लोग का काम आ गया। तो इधर मैं प्याज पत्ता का आज मैं सब्जी बनाऊंगी। तो ये देखिए जो अच्छा बड़ा बड़ा हो गया है उसका डंठल उसी को मैं तोड़ लेती हूँ। देखिए दोस्तों मैं प्याज पत्ता तोड़ चुकी हूँ, अब चलती हूँ घर और इसको मैं जल्दी से बना दूंगी, क्योंकि रोशनी के अबू आज सुबह ही काम करने के लिए चले गए थे, नाश्ता वगैरह भी नहीं किए हैं बिना खाए पिए। तो उनके आज से पहले ही मैं बना के रख दूंगी, तो आके खा लेंगे। तो इधर देखिए मैं पहले सूपा और पीढ़ा लेके आ गई हूँ प्याज पत्ता को काटने के लिए अपने आंगन में। तो दोस्तों इसको मैं जल्दी से काट लेती हूँ, फिर मैं जल्दी बना दूंगी।